साथियों, 11 दिसंबर को नगरपालिका फुलेरा के चुनाव होने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने बहुत से ऐतिहासिक काम किए, चाहे नए हॉस्पिटल भवन की बिल्डिंग बनाने का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे नालियों का हो, चाहे एलईडी लाइट्स का काम हो या अन्य साफ सफाई की व्यवस्था हो। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने निरंतर 20 के 20 वार्डों में सबके लिए समान काम किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से भी हमारे लोकप्रिय सांसद, उन्होंने भी रेलवे स्टेशन के लिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब ने करोड़ों रुपए के विकास के काम कराए, खूब सी ट्रेनों का स्टॉपेज कराए। जब राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी तो हमारे पास 3-3 पेयजल की नई टंकियां हम लोग बना के लेके आए ताकि पानी की व्यवस्था सुचारू हो सके। नया हॉस्पिटल हमने बनाया, हाँ वो 1.5 साल तक चालू नहीं हुआ, पूरे फुलेरा ने देखा कि वो चालू कैसे हुआ, मुख्यमंत्री को दखल देने के बाद चालू हुआ। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के लोग आएंगे गुमराह करेंगे कि हमारी सरकार है, हम बहुत कुछ करेंगे। भाई ये लोकल काम ऑलरेडी हमारा नगरपालिका मंडल कर रहा है और 2 साल में राजस्थान सरकार ने पानी हम पिला नहीं सकते, हॉस्पिटल हम चालू कर नहीं सकते, रोडे हम बना नहीं सकते, कानून व्यवस्था हम बिगाड़ सकते हैं, हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे। मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी में सब वर्गों को काम करने का मौका मिलता है, यहाँ किसी एक वर्ग या दबाव में पार्टी काम नहीं करती। आप सबसे मेरा करवत अनुरोध है कि आने वाली 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी को जिता के भारी मतों से आप नगरपालिका पहुंचाए ताकि फुलेरा का हम सब लोग मिलकर अच्छा विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।